Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग करने के लिए क्यों ना हम एक असुर उत्पन्न करें। असुर उत्पन्न करें, असुर उत्पन्न करें। जो देवगण यही उचित होगा। हम सभी अपनी शक्तियों के मिश्रण से एक शक्तिशाली असुर उत्पन्न करेंगे। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। किसने की है मेरी रचना? तुम एक असुर हो। यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी रचना हुई, इसलिए आज से तुम्हारा नाम विघ्नासुर होगा। विघ्नासुर होगा, विघ्नासुर होगा। इसलिए जाओ, जाकर राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग करो। असुर होकर देवताओं का आदेश मानूं? हम तुम्हारे जन्मदाता हैं और अपने जन्मदाता से ऐसा प्रश्न अनुचित है। तुम हमारे प्रत्येक आदेश का पालन करोगे। और यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें अभिनंदन का यज्ञ भंग करना ही होगा, क्योंकि यज्ञ की भंग सामग्री ही तुम्हारा आहार। इसलिए अविलंब जाओ और हमारे आदेशों का पालन करो। उचित है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। आहार चाहिए मुझे, यज्ञ भंग कर अपना आहार चाहिए। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। असुर तो राजा अभिनंदन की यज्ञ ऊर्जा में ही विलीन हो रहा है। कदाचित ये सफल हो ही नहीं सकता। चिंता मत कीजिए भाई देव, हमें शीघ्र ज्ञात हो ही जाएगा हम सफल हुए या फिर हमें और प्रयास की आवश्यकता है। अद्भुत, ये तो एक पंथ और दो कार्य हुए। राजा अभिनंदन का यज्ञ भी भंग हो गया और इस असुर का अंत भी। आइए देवगण, हम अपनी सफलता का आनंद उठाते हैं। आइए।
आहार पाकर आनंद आ गया। कौन हो तुम? मुझसे क्या शत्रुता है तुम्हारी? मेरा यज्ञ क्यों भंग किया तुमने? इसका उत्तर तो आपको देव राजेंद्र और अन्य देवता ही दे सकते हैं राजन, क्योंकि मेरा कार्य ही है यज्ञ को भंग करना। देवताओं को इस भूल का परिणाम भुगतना ही होगा। परिणाम तो भुगता, किंतु मात्र देवताओं ने ही नहीं, समस्त सृष्टि ने। एक असुर अपनी आसुरी प्रवृत्ति कैसे त्याग सकता था? यज्ञ के हविष्य का स्वाद उसके मुख पर लग गया था। अब तो वो संसार के सभी यज्ञ के हविष्य को अपना आहार बना लेना चाहता था, इसलिए वो संसार के सभी यज्ञों को नष्ट करने लगा। सर्वज्ञात है, देवताओं की पुष्टि तो यज्ञ के हविष्य से ही है। तो जब यज्ञ ही संपन्न नहीं हो रहे थे तो देवता शक्तिहीन होने लगे थे। विघ्नासुर के भय से सृष्टि पर सभी यज्ञ बंद हो गए, तो देवताओं ने एक और उपाय सोचा कि वो स्वयं ही यज्ञ कर ले। किंतु उसमें आने वाली बाधा का उन्हें आभास नहीं था। असुर, देवताओं से उत्पन्न होने के बाद भी तुम्हारी प्रवृत्ति असुरी ही है। इतने बड़े मूर्ख हो तुम, अपने जीवन दाता के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रस्तुत हो गए। एक असुर के भीतर असुरी प्रवृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा देवराजिन? आप एक बात भूल रहे हैं कि खंडित यज्ञ की सामग्री ही मेरा आहार है, और जब कहीं और कोई यज्ञ नहीं हो रहा तो इसी यज्ञ से अपना आहार प्राप्त करूंगा मैं। मेरा जीवन जीवन, अब तुम्हारे जीवन के अंत होने का समय आ ही गया। देवगण, आप भूल रहे हैं मैं आप सभी की ऊर्जाओं से ही उत्पन्न हुआ हूं, तो ये ऊर्जाएं मुझे हानि कैसे पहुंचा सकती हैं? देवगण, ये सत्य कह रहा है, हम इसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो फिर हम क्या करेंगे देवराज? इसे रोकने का क्या कोई उपाय नहीं? हाँ। नहीं देवगण, आप सब मुझे नहीं रोक सकते। देवता होकर भी अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए प्राणी को उसका आहार प्राप्त करने से कैसे रोक सकते हैं आप? <laughs>
एक समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमने उससे भी बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सब देवताओं को आभास हुआ जो गड्ढा उन्होंने राजा अभिनंदन के लिए खोदा था वो अब उनकी ही खाई बन चुका था, और अब वो उससे बचने का उपाय सोचने लगे। अब तो हमारे समक्ष केवल एक ही उपाय, इस विघ्नासुर नामक विघ्न से केवल विघ्नहर्ता महागणाधिपति जी ही हमारी रक्षा कर सकते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः, विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। हे प्रभु महागणाधिपति जी, हम देवता आपसे विनती करते, हमारी सहायता कीजिए। यज्ञ से पुष्टि प्राप्त ना होने के कारण हम दुर्बल हो गए, हम में कोई शक्ति शेष नहीं रही प्रभु, इसलिए इस सृष्टि के प्रति अपने कार्यों को पूर्ण करने में अक्षम है। प्रभु अब आप ही उस विघ्नासुर का अंत कर हमें उसके आतंक से छुटकारा दिला सकते हैं। किसी अन्य के लिए विघ्न उत्पन्न करने से पहले ठीक से विचार करना चाहिए कि उस विघ्न से संसार को किसी बड़ी हानि का सामना तो नहीं करना पड़ सकता है। आप सबने यज्ञ में बाधा डालने का महापाप किया है। आप सब मेरी सहायता की नहीं दंड के अधिकारी हैं। भूल मुझसे ही हुई, मुझे लगा कि राजा अभिनंदन की दृष्टि मेरे सिंहासन पर, इसलिए मुझसे दोषपूर्ण आचरण हो गया प्रभु, और मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम प्रायश्चित करने को प्रस्तुत हैं प्रभु। हाँ प्रभु, क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा, किंतु आप सबको भी ये सौगंध लेनी होगी, भूल से भी भविष्य में ऐसा कार्य आप सब नहीं करेंगे। स्वीकार है। तो उचित है, मैं अपने गणेश स्वरूप में आपकी सहायता करूंगा, किंतु अपनी भूल को सुधारने के लिए अभी आप सबको एक और यज्ञ करना होगा। आप यज्ञ शुरू कीजिए। इस बार देवताओं ने श्री गणेश का नाम लेकर उनकी पूजा के साथ यज्ञ आरंभ किया, किंतु विघ्नासुर को यज्ञ में विघ्न डालने तो आना ही था, तो वो आया। यज्ञ की अग्नि अर्थात मेरा आहार मेरा स्वागत कर रहा है। मेरे जन्मदाताओं,
मुझे पुनः आहार उपलब्ध कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विघ्नासुर, तुम ये यज्ञ भंग नहीं कर सकोगे। आप भी मुझे नहीं रोक सकते। मुझे मेरा आहार चाहिए। मेरा आहार मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। देवताओं की ऊर्जा से और ऊर्जा प्राप्त हो रही है मुझे। रुको विघ्नासुर, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। परापत सुपर्णा पुनरापत वस्त्रे विक्रीणा वायुष्मूर्ज शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्व वै पूर्ण स्वाहा स्वाहा। कौन है आप जो मुझसे इन देवताओं की रक्षा कर रहे हैं? इतना जानने का अधिकार तो मुझे है कि देवताओं की ऊर्जा से परिपूर्ण होने पर भी ये कौन है जो मुझे शक्तिहीन कर रहा है? आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। मुझसे भूल हुई है तो उसका दंड मैं स्वीकार करूंगा, किंतु पहले आप अपना परिचय देने की कृपा करें। बताना होगा आपको कि आप कौन हैं। प्रभु, आपने मेरी विनती सुन मुझे मुक्त किया और अपने दिव्य दर्शन देने की कृपा की। धन्यवाद प्रभु। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। देवराज, ये असुर कहीं प्रभु श्री गणेश का स्तुति गान कर उन्हें प्रसन्न कर ले और उनसे कोई वरदान ना प्राप्त कर ले। यदि ऐसा हुआ तो हमारा संकट टलने के स्थान पर पुनः उठ खड़ा होगा। परम ब्रह्म है आप प्रभु, तो आप बिना दोष के मुझे दंड कैसे दे सकते हैं? मेरा तो जन्म ही यज्ञ को खंडित करने के लिए हुआ है। खंडित यज्ञ की सामग्री ही मेरा आहार है। आहार बिना जीवन नहीं प्रभु। तुम उचित कहते हो विघ्नासुर, इसमें तुम्हारा नहीं दोष देवताओं का था, किंतु सच्चे मन से यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों का भी तो कोई दोष नहीं, जिनके यज्ञ भंग कर तुम उनकी सामग्री को अपना आहार बनाते हो। प्रभु, अनजाने में ही सही, ऋषि मुनियों को मैं कष्ट देता हूँ, किंतु मैं विवश हूँ। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूँ? तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हें भी भोजन अवश्य मिलेगा विघ्नासुर, किंतु किसी भी यज्ञ से नहीं,
यदि भंग यज्ञ की सामग्री ही तुम्हारा आहार है तो तुम उसी यज्ञ को भंग कर सकोगे जो मेरा स्मरण किए बिना आरंभ होगा या अशुद्ध मन से किया गया अवैदिक यज्ञ होगा। मैं वचन देता हूँ प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। असुर होते हुए भी तुमने अपनी भूल स्वीकार की, मेरे आदेश का पालन करने का वचन दिया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ इस स्थान पर मेरा एक मंदिर स्थापित होगा जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा। इस स्थान पर मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ सदा के लिए जुड़ जाएगा। विघ्नेश्वर विनायक के नाम से मेरा यहाँ पूजन होगा। जो भी यहाँ आकर अपनी भूल स्वीकार कर पश्चाताप करेगा उसे क्षमा प्राप्त होगी और श्रद्धा से यहाँ भक्ति न्योछावर करने वालों को अपने विघ्नों से मुक्ति भी मिलेगी। प्रभु विघ्नेश्वर विनायक की जय। विघ्नेश्वर विनायक की जय। विघ्नेश्वर विनायक की जय। और इस प्रकार पूर्ण होती है विघ्नेश्वर की कथा। हे प्रभु, हे विघ्नेश्वर विनायक, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शेष यात्रा में कोई विघ्न ना आए और हम इस यात्रा को पूर्ण कर सके। तो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः। मैं पग पग पर आपका सहायक रहूंगा, इसलिए आपके मार्ग में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। अब आपको अगले और आठवें धाम महागणाधिपति मंदिर पहुंचना है। प्रभु, महागणाधिपति की कथा से तो आप परिचित ही हैं प्रिय। नहीं तो स्वामी। स्मरण नहीं है आपको? एक समय ऐसा था जब तीनों लोकों पर असुर नायक त्रिपुरासुर अर्थात तीन असुर भाई कमलाक्ष, ताराक्ष और विरुमाली का नियंत्रण था। इनकी शक्ति का कारण था घोर तप से मिला इन्हें वरदान। इन तीनों भाइयों ने चालाकी से ऐसा वरदान पा लिया था कि उनका वध कर पाना असंभव था। कि संसार के देवता स्वयं महादेव ही इस त्रिपुर को नष्ट कर सकते हैं और हमारा वध उन्हीं के हाथों, उनके अतिरिक्त किसी और के हाथों नहीं। तथास्तु, तथास्तु। जब इन पापियों के विनाश का समय आया, अंत में स्वयं प्रभु महादेव को ही उनका सामना करने आना पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ, उसकी पूरी सेना का अंत हुआ, किंतु त्रिपुरासुर का नहीं। जब महादेव पाखंडी त्रिपुरासुर का वध करने के लिए कठिनाई का सामना कर रहे थे, जब स्वयं मैं और ब्रह्मदेव त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महादेव की सहायता के लिए आए थे, तब भी त्रिपुरासुर का वध करना असंभव हो रहा था और समय निकलता जा रहा था। फिर विश्वकर्मा जी ने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्र उसके पहिए बने, मेरु पर्वत उसका धनुष और वासुकी उसकी डोर और मैं स्वयं बाण बना। किंतु रथ पर महादेव के आरूढ़ होते ही रथ डगमगाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, त्रिपुरासुर के अंत का विघ्न तभी हटेगा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता की प्रथम पूजा का नियम आपके उदाहरण से स्थापित हो, जिसके बाद शुद्ध मन और भक्ति से किए जाने वाले किसी धर्म कार्य में कभी कोई विघ्न न आए। आज की ये पौर्णमी महागणपति तिथि अनंत काल तक संसार में स्थापित रहेगी और मैं इन्हीं सहस्त्र नामों का जाप कर गणेश की पूजा करूंगा। तब महादेव ने अपने ही पुत्र विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की, त्रिपुर को भस्म कर त्रिपुरासुर का अंत भी किया। यदि गिरिजात्मक गणेश माता द्वारा अपने पुत्र की पूजा के प्रतीक थे तो महागणाधिपति मंदिर इसके प्रतीक हैं।
इसलिए किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए उसका आरंभ गणेश पूजन से किया जाता है। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारी। आप दोनों ने सभी अष्ट विनायक धामों की यात्रा संपन्न की, किंतु आपकी यात्रा वहीं पूर्ण होगी जहां से उसका आरंभ हुआ था। सहिताय महागणपतये नमः। ईश्वर कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु। आइए हम प्रभु का स्तुति गान कर इन्हें प्रसन्न करें। नमस्ते ब्रह्म रूपा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। स्वामी प्रभु दर्शन क्यों नहीं दे रहे? अष्टविनायक की हमारी यात्रा पूर्ण कर हम उनके दर्शन के लिए यहाँ लौट के आए हैं। मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है प्रभु। व्याकुल तो मेरा भी हृदय हो रहा है देवी, धैर्य रखिए। प्रभु मयूरेश्वर हमें दर्शन ही नहीं हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करेंगे। मन की इच्छा तो आपको ज्ञात है प्रभु, अब वो कब फलित होगी? मुझे संतान रत्न की प्राप्ति कब होगी? इस माता की ममता को कब तृप्ति मिलेगी प्रभु? माता आपकी प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण होगी, और इतना ही नहीं समस्त संसार आपके पुत्र के साथ आपकी पूजा करेगा। समस्त संसार आपके पुत्र के साथ आपकी पूजा करेगा। प्रभु आपके वचन सुनकर मेरा हृदय अपने पुत्र को देखने के लिए और भी आतुर है। मुझे ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा प्रभु? माता भक्त की भक्ति और माँ की ममता जब दोनों का संगम हो तो परिणाम सुंदर ही होगा, किंतु अभी आपको जगत भ्रमण के लिए निकलना होगा, क्योंकि संसार को आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा जो है। सुनत वंदित
सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग देखिए ना सभी ने कितनी निष्ठा से आपका व्रत रखा आपकी पूजा की और आपकी कृपा दृष्टि पाने की लालसा है सभी को विष्णु वक्षः स्थलारूढ़ भक्त मोक्ष प्रदायिनी श्लो शंख चक्र गदा हस्ते विश्व रूपिणी ते जयः जगन्मात्रे च मोहिन्ये मंगलम शुभ मंगलम दूसरों का बुरा करने वाले ये भूल जाते हैं कि वे जैसा बीज बो रहे हैं उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त होगा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़